हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत करता हूँ संगम ईटीसी रिपेयरिंग चैनल में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पास एक और डीटीएच आया है फ्रेंड, यहाँ बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इसे मैं आप लोगों को रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को डीटीएच चालू करके दिखाता हूँ फ्रेंड। स्विच को ऑन कर दिए हैं, डिस्प्ले में बिल्कुल लाइट शो नहीं कर रहा है फ्रेंड। इसके पावर को भी चालू करके देखते हैं, यहाँ बिल्कुल बंद है। इसी में आप लोगों को खोल कर दिखाता हूँ फ्रेंड। सबसे पहले डीटीएच के बॉडी को खोल लेना है फ्रेंड। इस तरह बॉडी को खोल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे। इसके बॉडी को खोल लिए है फ्रेंड। इसके पावर सप्लाई को निकाल देंगे फ्रेंड। चिमटी से आराम से निकल जाता है, आप लोग देख सकते हैं। यह आराम से निकल गया फ्रेंड। आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड, सबसे पहले इस मेन लीड वायर को चेक करना है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फ्यूज को चेक करना है। फ्यूज को चेक करने के बाद बड़े कैपेसिटर को चेक करना है, 47 UF 450 वोल्ट के कैपेसिटर को चेक करना है। इसमें 350 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। सबसे पहले प्राइमरी भाग को चेक करेंगे फ्रेंड। ये दिख रहा है इधर पावर सप्लाई का है, ये सेकेंडरी भाग है, इसको चेक करेंगे। उसके बाद इसको देखेंगे फ्रेंड। सबसे पहले मीटर को 600 वोल्ट का एसी में रख देना है फ्रेंड। उसके बाद स्विच को चालू करेंगे। स्विच को ऑन कर लिए हैं। सबसे पहले मैं लीड वायर के वायर को चेक करेंगे, देख सकते हो फ्रेंड। घर का वोल्ट है 246 एसी है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर फ्यूज लगा है, उसे चेक करेंगे। हमारे फ्यूज भी ठीक हैं। इसके बाद इसको डीसी में रख देंगे, 600 वोल्ट डीसी में रख कर मेन कैपेसिटर को चेक करेंगे। हमारे मेन कैपेसिटर में 350 के आसपास आ रहे थे, ये भी ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम लोग सेकेंडरी भाग को चेक करेंगे। मैं आप लोगों को सेकेंडरी भाग को चेक करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड, आप लोग ध्यान देंगे। इस काले वाले प्रोड को अर्थिंग में डाल देना है और सबसे पहले 5 वोल्ट के डायोड बड़े वाला को सबसे पहले चेक करना है। इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट आ गया, ये भी ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसको चेक करेंगे। इसमें का वोल्ट भी ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसमें 4 वोल्ट आना चाहिए, 4 वोल्ट अभी आ गया, ये भी ठीक है फ्रेंड। 18 वोल्ट ये भी ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए फ्रेंड। एक ये भी कम ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड। उसके बाद इसमें में 3.3 वोल्ट आना चाहिए फ्रेंड। इसमें बिल्कुल भी वोल्ट नहीं बता रहे फ्रेंड, 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम इसी डायोड में है। एक बार मैं आप लोगों को सभी डायोड को चेक करके बताता हूं फ्रेंड। मीटर को बाजार में रख दिए हैं। सबसे पहले इस बड़े वाले को करेंगे, ये भी ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक है फ्रेंड, 450 के आसपास आ रहे हैं। ये भी डायोड ठीक है फ्रेंड, इसमें भी 450 के आसपास आ रहे हैं, ये भी ठीक है फ्रेंड। ये भी डायोड ठीक है फ्रेंड, 450 के आसपास आ रहे हैं।
इसे चेक करें तो कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहे ट्रेंड। पलटा कर देखते हैं, पलटाने पर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं 741। प्रॉब्लम इसी डायोड में है फ्रेंड, इसका नंबर है 5399। इसे मैं निकाल कर नया लगाऊंगा फ्रेंड, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं 5399 डायोड को निकालूंगा फ्रेंड। यह है कंपोनेंट निकालने का, इसे मैं जुगाड़ करके बनाया हूँ, इसी तरह आप लोग भी बना लेना। ऐसा पकड़ते हैं फ्रेंड ताकि कंपोनेंट आसानी से निकल जाते हैं। आप लोग देख सकते हो ये निकल गए फ्रेंड, ये देख सकते हो, इसे भी वैसे निकालेंगे, निकल गए आराम से। इसी तरह आप लोग भी जुगाड़ करके बना लोगे। अब मैं इस नए वाले डायोड को डालूंगा फ्रेंड, इसका नंबर है 5399। वो डाल देंगे, दिख रहा है चिन्ह माइनस है, माइनस को माइनस, प्लस को प्लस, इस तरफ माइनस है, इसे ऐसे डालेंगे, माइनस को माइनस, प्लस को प्लस। ये गलती नहीं करना है फ्रेंड, जैसे लगे हैं वैसे डालना है। इस तरह पकड़ कर सॉल्डिंग कर देंगे। सॉल्डिंग कर लिया फ्रेंड, बहुत अच्छे से हो गया है। इसे मैं अच्छे से पेट्रोल से साफ कर देता हूँ फ्रेंड, आप लोगों को भी इसी तरह साफ करना है। साफ करने से क्लीन हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। क्लीन हो गया, इस तरह आप लोगों को भी कर देना है। मैं आप लोगों को सभी वोल्टा चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड, इसमें 5 वोल्टा आना चाहिए, हमारे 5 वोल्टा आ गया है फ्रेंड। इसमें 17 वोल्ट आना चाहिए, ये भी आ गया है फ्रेंड, ठीक है। और इस वाला में 4 वोल्ट आना चाहिए, ये भी आ गया है फ्रेंड। और इसमें 23 वोल्ट आना चाहिए फ्रेंड, ये भी ठीक है फ्रेंड, आ गया है। उसके बाद इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए फ्रेंड, 13 वोल्ट, ये भी ठीक है फ्रेंड, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है। अभी लास्ट वाले में 5399 में 3.3 वोल्ट आना चाहिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, हमारे सभी वोल्ट आ गए हैं, हमारे DTH चालू हो जाना चाहिए। आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड, देख सकते हो फ्रेंड हमारे DTH चालू हो गया है, हमारे DTH रिपेयरिंग हो गया। आप लोगों को मैं TV में चलाकर दिखाऊंगा। मैं TV को चालू कर लिया हूं फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो। हमारे DTH बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी इसी तरह रिपेयरिंग करना फ्रेंड। किंतु शिव जी तो शक्ति स्वरूप पार्वती का नाम सुनते ही, हमारे डिटेल्स में कोई परेशानी नहीं है। अब तो कैलाश छोड़कर और कहीं चले गए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।